working. What's up guys, welcome back to a new vlog. This is Dev here. So guys, आज जिस जगह मैं आया हूँ ना, उसको देख के तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि भाई मुझे भी काश ले आते तुम यहाँ पे. But आज बताओ भाई कहाँ पे आए हम? डोरेमोन के म्यूजियम. तो गाइज आज हम लोग आए हैं डोरेमोन का जो यहाँ पे म्यूजियम है, फुजिको फुजियो करके जो सीरीज लिखी थी डोरेमोन की, तो उस म्यूजियम पे आए हम. और यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली डोरेमोन होगा. भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई. तो चलते हैं, देखते थे डोरेमोन पहले कभी? बचपन में देखता था ना. कैसा लगता था? अच्छा. तो आज इस वीडियो में इतना ही नॉस्टैल्जिक होने वाला है ना, तो बहुत मज़ा आएगा. तो वीडियो में एंड तक बने रहना. बाकी जो ये राइटर थे जिन्होंने ये सीरीज़ लिखी, उन्होंने काफ़ी सारे अलग जो बोलते हैं ना, कार्टून बोलते हैं ना, एनिमे नहीं बोलते ना, एनिमे ही बोलते हैं, एनिमे होता है. हाँ, मांगा है ना. हाँ, तो जो ये एनिमे उन्होंने काफ़ी सारे लिखे थे, जैसे निंजा हथौड़ी भी उन्होंने बनाया था. तो गाइज यहाँ पे जापान में एक निंजा विलेज भी है निंजा हथौड़ी का, ये बेसिकली. तो अगर इस वीडियो पे भाई, इस वीडियो पे कितने कमेंट्स चाहिए? 500 तरीका है भीख मांगने का. तो अगर इस वीडियो पे 500 कमेंट हो गए ना, तो पक्का उस विलेज पे चल देंगे. मतलब जब भी 500 कमेंट हो गए, मैं उस जगह पे निकल जाऊंगा. तो 500 कमेंट कर देना. कभी मैंने लाइक एम या फिर कमेंट एम कभी किया नहीं है, बट इस वीडियो के लिए मैं कर रहा हूँ, तो कर देना यार, है ना. ये रहा भाई फुजिको फुजियो म्यूजियम इस साइड में. हम एक्चुअली पैदल आए हैं, वैसे बस भी जाती है, बट हम पैदल आए हैं क्योंकि हम थोड़े से गरीब ज़्यादा है ना. गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर म्यूजियम के अंदर. ये कुछ ऐसा म्यूजियम है इस साइड में, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम थोड़े से बाहर आ गए. हमने सोचा कि यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट करते हैं. बाकी यहाँ पे देख लो, कुछ ऐसे ऐसे स्टैचू है. ये हमारे फुजिको फुजियो सान है, मतलब जो राइटर थे डोरेमोन के, अपना डोरेमोन है. और ये हमारा भाई है. क्या कर रहा है? मैं कुछ काम कर रहा था. कैसा लगा म्यूजियम? म्यूजियम अच्छा, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाए ना. हमने क्या किया, हमने जब एंटर किया ना, हमारे पास एक्चुअली टिकट थी हाई स्कूल स्टूडेंट्स की, मतलब कि जो थोड़े से कम प्राइस में थी. यू नो एडल्ट का लगता है 1000 yen और बच्चों का लगता है 700 yen. तो हमने वो टिकट ली थी. तो हमने अंदर घुसते टाइम ना मास्क लगा लिया. बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का. 10 मिनट का एक एपिसोड. तो भाई जो अपने ये राइटर थे ना, ये परमैन का भी बनाते थे, इनकी परमैन की सीरीज भी लगाई. ऊपर देख रहे हो आप, परमैन है ना वो, शायद परमैन है. मैंने कभी एनिमे देखा नहीं है. आपने देखा परमैन? भाई क्या कर रहे हो? अरे डोरेमोन से बिग लाइट मांग रहा हूँ. क्यों? अरे जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करना जी. एक्टिंग की बादशाह कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई. नॉस्टैल्जिक लग रहा है. हाँ, इसके अंदर जाकर खेलते थे ना वो जो डोरेमोन वाला होता था ना, वो यही होता था भाई. पीछे पार्क ये जो होता ना, ये पाइप होता है एक्चुअली, तो ये पार्क में होता था उस टाइम पे. बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया. जी नोबिता बुली होता था, जहाँ पे नोबिता को बुली करते थे. भाई कर क्या रहे हो? पनौती उतर, उतर नीचे, उतर. तो मैं नोबिता दिखाऊं? देखोगे? ये देखो भाई नोबिता. भाई सही में नोबिता नहीं लग रहा ये. चश्मा भी पहन रहा है. ये देखो भाई, ड्रेस अब भी सेम सेम ही, ड्रेस भी वैसी है, लग भी वैसा ही रहा है. भाई ये लो नोबिता. भाई ये अपना एनीवेयर डोर. भाई ये नोवेयर डोर से जाना किधर? अबे अकल कहंदे नोवेयर नहीं, एनीवेयर डोर. चलना किधर है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहाँ जाना है? भगवान के घर. ये है डोरेमोन का घर, इस साइड से पूरा खुला खुला छोड़ रखा है इस साइड से, ताकि आप देख सको कैसे बना है अंदर. उसे कॉमिक्स. क्या? उसे कॉमिक्स. ओ या, वो देखो कॉमिक्स, बहुत रियलिस्टिक लग रहा है भाई. बाकी इसका ये पूरा घर का स्ट्रक्चर है अंदर का बेसिकली. अच्छा, इसमें वो चलते हैं क्या एनिमे? हाँ. और ये वो कबर्ड है जहाँ पे डोरेमोन को, वहाँ पे ही ना कुतोन है ना अंदर. और ये इसका बाथरूम. ये बाथरूम है जिसे नोबिता मांगा होता है. भाई ये पीछे पता है मांगा कॉर्नर है, यहाँ पे सारी मांगाज वगैरह है. कौन सी मांगा है? डोरेमोन.
जैपनीज में होगी। हाँ जैपनीज में, इनमें ये उल्टी पढ़ते हैं ना मांगा। हाँ मैंने तो कभी पढ़ी नहीं, तुमने पढ़ी है कोई मांगा? हाँ ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ी है। ऑकवर्ड लगा ना बच्चे के क्या? और ये क्या है? अच्छा ये वो है ना, क्या है का कपबोर्ड डोरेमोन का? हाँ ये कब था? लेकिन पता नहीं, वैसे ही लगता है, श्योर नहीं। वो ऊपर तातामी भी है ना। अच्छा ये वो है कबर्ड है। काफी सही। अच्छा जहाँ पे नोबी डोरेमोन सोता है वो है। अच्छा उसके ये ऊपर भी ऐसा था क्या पहले? पता नहीं, ये छाता सोता है। भाई दिन से पूजा का छोटा भाई दिख गया। झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा, इतने। तो गाइस यहाँ पे है ये जियान वगैरह की मर्चेंडाइज, टी शर्ट्स वगैरह, यू नो। कितने की है भाई ये? 3000 है तो काफ़ी अच्छी है ना। क्या प्राइस क्या ले लेते हैं? 4000। ओ भाई 4000, भाई पैसे दे दो। 3-4 करोड़ जेब में, दूं तेरे को, दूं अंदर से निकाल के। तो भाई ये था कुछ ऐसा डोरेमोन का म्यूजियम, कैसा लगा भाई? ठीक था। वर्थ इट था? वर्थ इट नहीं था एक्चुअली ना, ये बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। अगर आप आ रहे हो जापान तो आ सकते हो, यहाँ पे ट्राई कर सकते हो जो भी चीज़ें हैं। काफ़ी मतलब ऊपर म्यूजियम वगैरह ऐसा बना रखा है। हाँ कि मतलब उतना ज़्यादा बुरा नहीं है, बट हाँ बड़े लोगों के लिए इतना वर्थ इट भी नहीं है, बस बच्चों के लिए ठीक है। बाकी तो देखो थोड़ा सा क्या है कि ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है, तो यहाँ पे आके देख सकते हो आसपास की जगह। वैसे जापान पूरा ही नॉस्टैल्जिक है भाई, जो एनीमे देखता है बचपन की यादें ताज़ा, बचपन की यादें ताज़ा होगी। तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना यार, ठीक है? और 500 कमेंट्स। ओ हाँ 500 कमेंट्स भी, ठीक है। टिल देन बाय बाय।